माननीय अध्यक्ष जी, आज देश उस पुरानी अवधारणा से बाहर निकल रहा है। हमारे देश में सोच बन गई कि सरकार ही भाग्य विधाता है, तुम्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तुम्हारी आशा अपेक्षाएं कोई पूरी नहीं कर सकता है, सरकार ही करेगी, सब कुछ सरकार देगी। ये हम लोगों ने इतना ईगो पाल के रखा था और उसके कारण देश के सामर्थ्य को भी चोट पहुंची है। और इसलिए सामान्य युवा के सपने, युवा कौशल, उसके रास्ते हम नए सिरे से सोचना शुरू किया। सब कुछ सरकार करती है ऐसा नहीं है, देशवासियों की ताकत अनेक गुना ज्यादा होती है। वो सामर्थ्य के साथ अगर संकल्प के साथ जुड़ जाते हैं तो परिणाम मिलता है। आप देखिए, 2014 के पहले हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप थे। जब अवसर दिया जाता है देश के नौजवानों को तो क्या परिणाम आता है। इन 7 साल में 2014 के पहले 500 स्टार्टअप, इस 7 साल में 60,000 स्टार्टअप इस देश में काम कर रहे हैं। ये मेरे देश के युवाओं की ताकत है और उसमें यूनिकॉर्न बन रहे हैं, और एक एक यूनिकॉर्न यानी हजारों करोड़ की उसकी वैल्यू तय हो जाती है माननीय अध्यक्ष जी। और बहुत ही कम समय में भारत के यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। हजारों करोड़ की कंपनी बनने में पहले दशकों लग जाते थे, आज हमारे नौजवानों की ताकत है, सरकार की नीतियों के कारण साल दो साल के अंदर हजारों करोड़ के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे हैं। आज माननीय अध्यक्ष जी, हम स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा जी? लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे, क्या रखा है मोदी 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 करते रहे तो है यही कर रहे थे, बोले सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, हाथ क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। एक बोल रहे हैं ना, मानिए मानिए अध्यक्ष जी, चलो बैठिए। कुछ लोग देश के नौजवानों को, देश के एंटरप्रेनर्स को, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को, उनको डराने में आनंद आता है, उनको भयभीत करने में आनंद आता है, उनको गुमराह करने में आनंद आता है। देश का नौजवान उनकी बातें सुन नहीं रहा है, इसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो यूनिकॉर्न है यही उसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां बनने का सामर्थ्य रखती है।